हेलो एवरीवन मोस्ट वेलकम तो आज के क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बिजनेस स्टडीज़ के स्टार्ट करेंगे सो मेक श्योर कि आप वीडियोज़ को लास्ट तक देखना जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैं आज इस आज के क्लास में डिस्कस करूंगी दिस ऑल आर वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ठीक है ये सारे बेसिक हैं इंपॉर्टेंट है अगर ये क्वेश्चन ना भी आए बट जो भी थ्योरी मैं एक्सप्लेन करूँगी ये आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगा विदाउट टाइम वेस्ट यू लेट्स स्टार्ट और राइट तो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है जैसा कि आपको दिख रहा है तो स्टार्ट करते हैं अब ऐसा नहीं है कि बस इतना ही क्वेश्चंस को हम समझेंगे हम और भी क्वेश्चंस को समझेंगे इसे क्लीन करके ओके सो द क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो हाँ वन मोर थिंग कि इस क्वेश्चन में ना आप सभी ये देखना कि आप सभी को कितना आता है कितने आपके करेक्ट हुए ठीक है जैसे इफ़ uh, अगर मैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करूँ तो ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ आपका कितना करेक्ट हुआ है तो ट्वेंटी फोर अगर करेक्ट हुआ है तो ट्वेंटी फोर आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव लिख करके कमेंट करना ठीक है मैं देखना चाहती हूँ कि आप सभी पहले से कितना जान रहे थे एंड मैंने कितना वैल्यू आपके रिविजन uh, में एड किया है ओके सो so चलो स्टार्ट करते हैं तो ये जरूर करना ओके okay? चलो देखो क्या है दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स मतलब इसमें से कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में और मिडिल लेवल सॉरी लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक करता है ठीक है बीच में आता है ठीक है तो देखो पहला ऑप्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेकेंड ऑप्शन इज ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट थर्ड ऑप्शन इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन तो हम सभी को पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं और मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर उसे लो लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है है ना लो लाइन मैनेजर्स या मैनेजमेंट तक पहुंचाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट ओके ठीक है पहला जल्दी जल्दी ना आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर देना ठीक है कि किसका आंसर क्या होगा एंड आपका कितना आया ठीक है अब देखो एंड हाँ ऐसा नहीं कि बस एम वाले क्लास आए आज ही आज मैं ये आज ये क्लास आपको प्रोवाइड हो रहा है आज ही मैं सारे क्लासेस अपलोड कर दूंगी इट मीन्स एम सी क्यूज भी हमारा हो जाएगा न्यूमरिकल्स भी हो जाएंगे केस स्टडीज एंड सॉल्यूशंस भी हो जाएंगे ठीक है तो मेक श्योर sure कि चैनल के साथ बने रहो एंड लास्ट मिनट ये बहुत ही अच्छा रिविजन आपका होने वाला है ठीक है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजाइगनेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन से ऐसे मैनेजमेंट्स हैं जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं आते हैं देखो यहाँ पे नॉट लिखा है देखो जनरली ना क्वेश्चन में हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर्स नहीं पूछते बल्कि क्वेश्चन में हमें हम, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो नेगेटिवली आएंगे मतलब विच इज विच ऑफ दीज आर नॉट रिलेटेड टू दैट इस तरीके से ठीक है तो नॉट करके आएगा इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बट अगर अच्छे से सोचो माइंड को रेस्ट देकर ठीक है मतलब थोड़ा सा टाइम लेकर सोचो तो फिर ये भी करेक्ट हो जाता है ठीक हो जाता है ना देखो क्या है विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट रिलेटेड नॉट अ डिजिंगनेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट तो यहाँ पे है प्लांट सुप्रिन्टेंडेंट यहाँ पे आंसर नहीं लिख रही हूँ मैं ये है प्लांट सुप्रिंटेंडेंट सुपरविजन सेलेक्शन ऑफिसर्स और मार्केटिंग मैनेजर्स तो जल्दी बताओ आंसर क्या होगा सो द आंसर इज मार्केटिंग मैनेजर्स मार्केटिंग मैनेजर्स जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं आते क्योंकि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं ठीक है मार्केटिंग मैनेजर्स जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं जितने भी मैनेजर्स होंगे ठीक है जितने भी मैनेजर्स होंगे एक्सेप्ट जनरल मैनेजर ये सारे के सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये सारे के सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे जितने भी मैनेजर्स होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे एक्सेप्ट जनरल मैनेजर क्योंकि जनरल मैनेजर जो है वो हाई लेवल मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है ठीक है ये एक पॉइंट है अच्छे से याद रखना अब क्या है थर्ड नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ठीक है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है मतलब सही नहीं है फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए देखो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें फर्स्ट चैप्टर से हैं है ना वैसे सारे चैप्टर से हैं क्वेश्चन पूरा देखना क्या है लोअर लेवल मैनेजमेंट से कौन सा ऐसा बात है जो डायरेक्टली नहीं है ठीक है डायरेक्ट नहीं करता मतलब उससे रिलेटेड नहीं है उसका काम ये नहीं है तो पहला ऑप्शन है एनालाइज द बिजनेस इन्वॉर्मेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज uh, करना और उसे उसमें चेंजेस करना सो so दैट कि बिजनेस आपका लॉन्ग रन चल सके ठीक है दूसरी बात है इंश्योर द क्वालिटी ऑफ़ द आउटपुट जो भी आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उसका क्वालिटी चेक करना दे स्ट्राइव टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज रिसोर्सेस रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो ठीक है दे इंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं क्या क्या मतलब सही होने चाहिए जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन चल सके तो ये सभी चीज़ें तो देखो यहाँ पे ये जो बी सी डी है ना ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के वर्क हैं बट बिजनेस इन्वायरमेंट को जांचना उसमें चेंजेस करना ये सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट के काम नहीं है भाई ये सारे क्या है ऊपर लेवल मैनेजमेंट के काम है ठीक है मतलब हाई लेवल या टॉप लेवल मैनेजर्स के काम है ये इनके काम नहीं है तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए नंबर ठीक है अब यहाँ पे देखो अजान हो रहा है तो अभी रुकते हैं सुनाओ so अब हम समझते हैं फोर नंबर ऑप्शन ठीक है फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल मैनेजमेंट इज़ टू डिटर्माइन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज़ फॉर देयर एजुकेशन मतलब ये कौन से मैनेजमेंट लेवल होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव मतलब उसके क्या उद्देश्य हैं उसके उद्देश्य पर काम करते हैं एंड स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि कैसे एजुकेशन मिले हमारे इम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को सो so दैट कि वो अपना बेस्ट दे सकें ठीक है तो ये काम जो है वो थोड़ा हाई लेवल मैनेजर्स का होता है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट ओके नाउ द टाइम फॉर फिफ्थ नंबर ब्लैंक इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्सन ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत ईजी है आई जस्ट होप कि आपको आप, आप सभी को इनका आंसर पता होगा इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा फोर्स है एक ऐसा बल है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क्स हैं उनको आपस में बांध के रखता है ठीक है इन सबको आपस में जोड़ के रखता है एंड कहीं भी खटपट नहीं होता तो ये कौन सा है देखो खटपट मैंने वर्ड बोला यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉपरेशन से रिलेटेड है तो यस इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कॉर्डिनेशन सॉरी कॉर्डिनेशन से रिलेटेड है सो द आंसर इज कॉर्डिनेशन ओके कॉर्डिनेशन इसका मतलब ये है समन्वय ठीक है समन्वय मतलब आपस में तालमेल बैठाएंगे तभी काम एक दूसरे से रिलेटेड होगा और अच्छे से वर्क करेगा ओके okay? तो फिफ्थ नंबर का आंसर ये था अभी तक मैं कितने करेक्ट हुए बताना ठीक है अब चलो हम पढ़ते हैं सिक्स नंबर देखो सिक्स नंबर में क्या है सुपरविज़न कॉम्युनिकेशन मोटिवेशन एंड लीडरशिप ठीक है ये सारे कुछ वर्क हैं एक अच्छे लीडर्स के ठीक है ध्यान रखना आर द की एलिमेंट्स ऑफ दीज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन में से ये सारे जो है सुपरविज़न कॉम्युनिकेशन मोटिवेशन ये सारे आ, कौन से मैनेजमेंट के वर्क हैं ठीक है कौन से मैनेजमेंट के काम है कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन है तो यहां पे चार ऑप्शन है आपका डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन तो इसका आंसर जो है वो है आपका डायरेक्टिंग ठीक है डायरेक्टिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं ये सारे उन्हीं का काम है कि वो अच्छे से सुपरविजन करें अच्छे से लीडरशिप करें अपना ठीक है और अच्छे से सारे काम उनके अंडर हो ओके okay? नाउ अब हम समझते हैं सेवन नंबर सेवन में क्या है दिस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पीपल राइट पर्सन एट द राइट जॉब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आ, जो भी जो राइट पीपल हैं वो राइट right काम के लिए हों आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाइक like कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एफिशेंसी वाले लोग हैं बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आप उन्हें लो लेवल में रखे हुए हो मतलब उसे वर्कर बना दिए हो एक तो फिर तो ये रॉन्ग हुआ ना अगर आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एक अच्छा पोस्ट पे हो तो हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे भी बढ़े तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे मिलेंगी आपको तो ये सारे काम जो है वो स्टाफिंग के अंदर आते हैं ठीक है स्टाफिंग मतलब काम को वर्कर्स को लाना या फिर जो भी वर्कर्स हैं उन्हें सही जॉब पर फिट करना ये स्टाफिंग का काम होता है ओके जस्ट होप कि ये सारे आपके हेल्पफुल होंगे एंड ये सारे देखो बेसिक्स हैं Uh, अगर ये एग्जाम में ना भी आए ना फिर भी आपका इससे बेसिक कंप्लीट हो रहा है इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा जिससे आपको थ्योरी अभी समझ में आ रहा है तो वो उस टाइम पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे ठीक है बहुत अच्छा लिख पाओगे नगर क्वेश्चन इज एट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वॉलमेंट इनमें से कौन सा जो है वो सोशल इन्वॉलमेंट का एग्जाम्पल है देखो सोशल इन्वॉलमेंट क्या होता है सामाजिक ठीक है जिसमें घर परिवार समाज ये सारे आ जाते हैं फिर uh, देखो इसमें क्या है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई करना ये तो आपका इकोनॉमिक इन्वॉलमेंट में आ गया ना ये तो नहीं होगा देन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये भी इसमें नहीं होगा ठीक है देन है कंपोजिशन ऑफ फैमिली कंपोजिशन ऑफ फैमिली ये फैमिली रिलेटेड है द कंस्टिट्यूशन ऑफ़ द कंट्री कंस्टिट्यूशन तो फिर आपका लीगल इन्वॉलमेंट हो गया तो ये भी नहीं होगा तो बताओ इसमें कौन सा होगा अभी मैंने बोला सोशल में घर परिवार समाज तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली ओके फैमिली कंपोजिशन ओके नाइन नंबर रेड्यूशिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर का रोल को कम करना एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना फॉल्स अंडर ये किसके अंदर आता है लिबरलाइजेशन तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को खुला छोड़ दिया जाता है ठीक है इन सभी पे गवर्नमेंट का फोर्स जो है अब नहीं लगेगा प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट हाथों में सौंपना ठीक है सी नंबर में लिबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बोथ है डी नंबर में ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपके बिजनेस को विस्तार करना दूसरे कंट्रीज तक या इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना राइट तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है और पब्लिक सेक्टर को कम करना है तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को आप uh, मतलब सपोर्ट कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन क्या हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन नाउ लिबरलाइजेशन मीन्स लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है ठीक है लिबलाइजेशन मीन्स इंट्रीगेशन अमंग इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक को बढ़ाना रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट्स के कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को कम करना जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया एट नाइन नंबर में पॉलिसी ऑफ प्लान डिस इन्वेस्टमेंट प्लान डिस इन्वेस्टमेंट्स होगा यहाँ पर मीन्स मैंने लिखा है मतलब पॉलिसी ऑफ प्लान डिस इन्वेस्टमेंट मतलब डिस इनवेस्टमेंट का पॉलिसी लाना या फिर इनमें से कोई नहीं तो अभी मैंने आपको बोला लिबलाइजेशन का हिंदी मीनिंग उदारीकरण है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के फोर्स uh, को कम करना तो देखो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है रेड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है रेड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस को इसमें कम किए जाते हैं ओके नाउ इलेवेंथ नंबर ब्लैंक इज द प्रोसेस बाई विच मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ क्योर्स रिमूव कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर अलॉटेड वर्क एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग एंड क्रिएट्स एंड एनवॉयमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क इसमें क्या है टीम वर्क में काम होता है मतलब काम को बांट देना काम के बोझ को कम करना ये सारा जो है वो किस में आता है ठीक है ये कौन से प्रोसेस के अंदर आता है तो पहला है प्लानिंग करना तो नहीं प्लानिंग में तो सारे वर्क को प्लान किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग में डायरेक्शन वगैरह होता है कि कैसे काम को करवाना है ये ठीक है इसमें काम कौन कौन से काम करेंगे प्लान करते हैं इसमें कैसे करेंगे स्टाफिंग में कौन कौन लोग करेंगे एंड कंट्रोलिंग में कि इसे कैसे कंप्लीट करना है तो ये आपका पूरा का पूरा आ जाएगा और पूरा का पूरा आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में कि काम को जो है वो आ, मतलब टीम वर्क में काम हो अच्छे से काम हो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो ओके okay? तो अभी तक हमने इलेवन क्वेश्चन को समझाई ये थोड़े बेसिक लेवल के थे अब हम थोड़ा सा इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को समझेंगे जिसमें थोड़ा बहुत केस स्टडीज़ भी हमारा आता है अब उसे समझते हैं सुनाओ so अब मैंने क्वेश्चंस लिख लिया एंड लिटरली मुझे इस क्वेश्चंस को लिखने में टोटल फुल्ली थर्टी फाइव मिनट्स लगे हैं सो प्लीज़ मेरा ये थर्टी फाइव मिनट्स जो मैंने बोर्ड पे लिखा है और उससे पहले भी लिखने में मुझे एटलीस्ट थर्टी मिनट्स लग ही गए थे इट मीन्स वन आवर मुझे बस ये बोर्ड पे लिखने में लगा है सो मेक श्योर कि आप लाइक कर दो वीडियो को ओके okay? सुनाओ so, अब जो क्वेश्चन हैं ना ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया है क्लास में ये सारे इंपॉर्टेंट्स एंड बेसिक क्वेश्चंस थे ठीक है और अगर आपको क्वेश्चंस चैप्टर वाइज चाहिए तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी ठीक है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाके ऐड हो जाना उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे अबाउट हंड्रेड से भी प्लस क्वेश्चन हैं वहाँ पर जो मैं वहाँ पर आप, आपको प्रोवाइड करूँगी ओके सो मेक श्योर कि आप उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना ओके okay? तो चलो देखते हैं क्या है ब्लैंक इज़ यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एनी इंटरप्राइज़ मतलब ये जो एक्टिविटी है वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं एंड और ये सारे जो हैं वो अलग अलग इंटरप्राइज में अलग अलग डिफरेंट चार्जेस के लिए यूज़ होते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है जल्दी बताओ सो so ये प्रोसेस है आपका कोऑर्डिनेशन ठीक है कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस जो कि सारे एक्टिवि सारे ऑर्गेनाइजेशन uh, में यूज होते हैं और इनका मेन जो काम है वो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में uh, समन्वय स्थापित करना और कोऑर्डिनेशन करना ठीक है कोऑर्डिनेट करना ओके आई जस्ट होप कि आपको uh, समझ में आ रहा है देन अ थर्टीन ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इन मैनेजेबल एक्टिविटीज़ मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कामों को मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है एंड देन ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ विच सिमिलर इन नेचर और फिर मतलब सबसे पहले तो काम को बांट दो ठीक है मैनेज मैनेजमेंट के आधार पे एंड देन उसके बाद जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको आपस में बाइंड कर दो मतलब उसको एक ग्रुप बना दो ठीक है तो ये क्या कहलाता है जनरली ये सारे वर्क्स जो हैं वो आपको मॉल्स वगैरह में दिखेंगे कि एक तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको एक जगह पर मिलेंगे ठीक है तो ये कहाँ आता है तो ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें समन्वय ठह जाता है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी नहीं है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है देन ये क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट में चीजों को डिवाइड कर दिया जाता है तो ये है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन ओके आई जस्ट ऑफ समझ में आ रहा है उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज मतलब ग्लोबलाइजेशन में क्या दर्शाता है क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में तो यहाँ पे है इंट्रीगेशन अमंग वेरियस इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में शामिल होना इंट्रीग्रेट करना इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर क्या पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर या फिर अबव तो मैंने आपको पहले ही बताया ग्लोबलाइजेशन uh, का मतलब होता है बिज़नेस का विस्तार करना उसको पूरा वर्ल्ड वाइड लेकर जाना इंटरनेशनल लेवल तक बिजनेस को लगा करना ठीक है तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा इंटीग्रेशन अमंग वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड ओके ऑफ़ द वर्ल्ड क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड में हमारा बिजनेस फैलता है तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं नाउ द थिंग इज़ देखो सिक्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है ये मैं बहुत ही सोच समझ के इसे ध्यान में रखना बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं एम आई मार्क कर लो इसे रिया परचेज अ फेशियल क्रीम रिया जो है एक लड़की जिसने एक फेशियल क्रीम परचेस किया ओके okay? अब ये हम बाकी लोगों की तरह नहीं है कि एकदम देख के ब्रांडेड ही परचेज करेगी ये बस गई लोकल स्टोर और कोई भी परचेज कर लिया इसने फ्रॉम अ लोकल शॉप ठीक है एक लोकल दुकान में द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर उस बॉटल में मतलब वो जो पाउच उससे मिला था उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली मैंसन नहीं था ठीक है अच्छे से कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा था उसे सी वॉज नॉट क्लियर अबाउट द प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट को लेकर उतना क्लियर नहीं थी सो so, मतलब क्लियर का मतलब यहाँ पे यूज़ करना है मे बी की क्वेश्चन थोड़ा बहुत रॉन्ग हो बिकॉज मैंने खुद से लिखा है सो सी फाइल्ड अ कंप्लेन कंप्लेन ऑफ इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम तो वो इसके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करती है कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एंड गॉट द रिलीफ एंड उसे रिलीफ भी मिलता है आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट निगलेक्टेड बाई द मार्केटर इन द अबव केस तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा काम जो है वो मार्केटर नहीं किया है जिसके कारण से उस पर कंप्लेन किया गया ठीक है डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो दोषी पाया गया और उस पर कंप्लेन फाइल हो गया कौन सा चीज़ वो नहीं किया है तो पैकेजिंग तो नहीं पैकेजिंग तो है इसमें तो लिखा गया है कि बॉटल था ठीक है मतलब पाउच था ब्रांडिंग तो नहीं ब्रांडिंग भी था उसमें चिपकाया हुआ भी था बट ये कि वहाँ पर लेबलिंग नहीं किया हुआ था मतलब लेबल का मतलब होता है कि जो भी पैकेज में देखते हो ना जो चिपका हुआ रहता है लेबल और उसमें बाकी सारे इन्फॉर्मेशन जो लिखे होते हैं वो होते हैं लेबलिंग ठीक है इन्फॉर्मेशन वगैरह जो लिखे होते हैं वो होते हैं लेबलिंग एंड प्राइसिंग तो प्राइस वगैरह ठीक था बस लेबल नहीं किया हुआ था मतलब कि प्रोडक्ट पे क्लियरली मेंशन नहीं था उस प्रोडक्ट के बारे में जिसकी वजह से उस पर कंप्लेन फाइल हो गया ठीक है नाउ द सिक्सटीन मनु अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर मनु नाम का एक इंसान है जो स्कूल बैग मैन्युफैक्चरिंग करता है डिसाइडेड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट जो है भईया बढ़ जाए ठीक है बाई प्रोड्यूसिंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग बैग्स ठीक है मतलब और बैग का प्रोडक्शन करना चाहता है ऑन ए लार्ज स्केल मतलब वो और बैग का प्रोडक्शन करना चाहता है और और ज्यादा बेचना चाहता है और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है ठीक है स्केल प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल दस रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सो दैट के कॉस्ट का प्रोडक्शन कम हो जाए uh, And thus reducing the average cost of the production. Identify the marketing मार्केटिंग man management philosophy adopted by the Manu. मतलब अब इसमें आपको बताना है कि Manu ने कौन सा concept को अपनाया कौन सा philosophy को अपनाया तो Manu ने क्या किया कि पहले bag वो provide कर रहा था ठीक है अब उसने क्या किया उसने सोचा कि अब profit को थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो उसने क्या किया और bag का production करना start किया ठीक है वो और ज़्यादा bag product production कर रहा है और, और ज़्यादा production करने पर उसका जो average cost है वो कम पड़ रहा है ठीक है उसका जो average cost है वो कम लग रहा है तो यहाँ पे कौन सा फिलोसफी अपनाया गया है मनु के द्वारा तो मेक श्योर sure, एक चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्शन और बढ़ा दिया जाता है और कॉस्ट को कम किया जाता है तो वो हमेशा आपका होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ठीक है बी नंबर ऑप्शन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कि जब प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है कॉस्ट को कम किया जाता है तो उसमें बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे मनु ने भी वही किया है उसने प्रोडक्शन को अपना बढ़ा दिया इंक्रीज कर दिया सो so दैट कि उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो कम पड़ जाए और उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए और ज्यादा बिकेगा तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा ठीक है तो यहाँ पे प्रोडक्शन यह कॉन्सेप्ट है देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है जब प्रोडक्ट में ही मान लो कि बैग में ही मानो अगर कोई चेंजिंग करता है बैग में कुछ नया ऐड कर देता है या उसका क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करता है तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आएगा सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि पहले से प्रोडक्ट उसने बना लिया अब उसे बेचने पे काम करेगा एडवर्टीजमेंट लेबलिंग वगैरह पे ठीक है तो वो सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है कि कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए कि मान लो कि कंज्यूमर को साइड बैग चाहिए वेस्ट बैग चाहिए किस तरह का बैग चाहिए ये देख के वो प्रोडक्शन करने लग जा रहा है तो वो फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है तो ये ए सी एंड डी ये तीनों यहाँ पे नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन जो है आ, मतलब प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा रहा है और कॉस्ट को कम किया जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्शन कौन ओके नाउ okay? अब हम समझते हैं सेवनटीन नंबर ये भी थोड़ा सा सिमिलर है सिक्सटीन से देखो इसमें हल्का सा मैंने चेंजिंग किया है मनु और स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर यहाँ भी वही है डिसाइडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन फॉर द प्रॉफिट मतलब वो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है प्रॉफिट uh, के लिए ठीक है मतलब प्रोडक्शन को अच्छा करना चाहता है प्रोडक्ट प्रॉफिट के लिए दस ही एडेड स्मॉल बैग टू द एग्जिस्टिंग बैग तो वो क्या करता है एक पूरे बैग में एक छोटा सा पाउच स्मॉल बैग भी ऐड कर देता है जैसे कि आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह का बैग देखे होंगे कि एक पूरा बड़ा बैग के साथ एक छोटा सा बैग भी छोटू सा मिल रहा है क्यूट सा तो यहाँ पे वही काम किया है मनु ने कि एक पूरे बड़े बैग के साथ एक छोटा सा पाउच वाला बैग देना स्टार्ट किया है ठीक है आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी तो अभी मैंने बोला कि जब प्रोडक्ट में ही कोई चेंजेस करते हैं मतलब प्रोडक्ट में ही आप उसका ब्रांडिंग मतलब उसका क्वालिटी ठीक करो या और उसमें ऐड करो या कुछ भी एक्स्ट्रा करो ठीक है प्रोडक्ट में ही तो वो आपका होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फिलोसफी लगा है ठीक है चारों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉन्प्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसे ध्यान में रखना नाउ द थिंग इज एसेट्स ऑफ अ रिलेटिवली परमानेंट नेचर यूज इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल मतलब वैसे एसेट्स जो कि बिजनेस में रखे गए हैं परमानेंट यूज के लिए और उनका उद्देश्य बेचना नहीं है मतलब वो एसेट्स नहीं बिकने वाले कभी तो वो कौन से एसेट्स होते हैं ठीक है तो ये एसेट्स हैं फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स इंटेंजिबल एसेट और नन ऑफ दीज तो ये एसेट्स होते हैं फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी बिल्डिंग लैंड ठीक है assets, like building, land, ये सारे फिक्स एसेट्स हैं और ये फिक्स एसेट्स जो हैं वो बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए होते हैं सो so दैट कि प्रोडक्शन अच्छा हो सके ज़्यादा हो सके ना कि बेचने के लिए ठीक है नाउ द थिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ये इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग है तो द इन्फॉर्मेशन इज़ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट डिफिकल्टी इन द परचेज एंड सेल ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स मतलब फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो डिफ़िकल्टी कर देता है बेचने और एसेट्स का परचेज एंड सेल में ठीक है नो द थिंग इज फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेश्स अबाउट सिक्योरिटीज़ बिंग ट्रेडेड इन द मार्केट मतलब फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो सिक्योरिटीज़ के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है देन दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल मार्केट ये फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं ज़्यादा तरलता लाते हैं ज़्यादा आसानी से आपको कैपिटल वगैरह कैश वगैरह या सिक्योरिटीज मिल सकता है देन द थिंग इज नन ऑफ दीज तो आप ही बताओ कि इनमें से कौन सा काम जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का नहीं है तो आपको ये अभी तक नहीं पढ़ाया गया है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डिफ़िकल्टी कर, कर देता है चीज़ों में नहीं आपको बस यही बताया गया है कि ये अच्छा करता है, है ना मतलब अच्छाई के लिए तो इस खाम फाइनेंस फॉल्स बात है यहाँ पे वो है ए नंबर ऑप्शन दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेड डिफिकल्टी इन परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ओके नाउ द थिंग इज ब्लैंक कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर इनमें से कौन सा जो है वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा

एंड खुद उसका यूज करेगा उपभोग करेगा ठीक है देन द थिंग इज डोंट परचेज इन हेस्ट दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज एन दिस इज एन दिस इज अ ब्लैंक ऑफ कंज्यूमर ठीक है यहां पे ब्लैंक होगा दिस इज अ ब्लैंक ऑफ कंज्यूमर मतलब डोंट परचेज इन हेस्ट मतलब जल्दबाजी में आप ना खरीदो ये कंज्यूमर का क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट एक्ट और ऑल तो ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्दबाजी में ना खरीदे अच्छे से पूरा फुर्सत में जाओ और अच्छे से देख सुन के अच्छे से अपना परचेज़ करो अब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में गए उठा लिए पैसा पे किया आ गए घर और उसके बाद प्रोडक्ट गलत निकल गया तो अब श्यापा खड़े किए जा रहे हो राइट right, ना तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है देन द थिंग इज़ हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन इनमें से कौन सा जो है वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते ठीक है तो द थिंग इज़ इंडिविजुअल कंज्यूमर कोई भी एक कंज्यूमर अकेला कंज्यूमर तो नहीं ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं देन द थिंग इज सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते तो कंज्यूमर एसोसिएशन कंज्यूमर एसोसिएशन दैट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कोई ऐसा कंज्यूमर एसोसिएशन जिनका कोई भी रिकॉग्निशन नहीं हुआ है ठीक है तो ये यहाँ पे हम आज की क्लास में 22 टू इंपॉर्टेंट एम को समझे हैं एंड और एम के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ वहाँ पे मैं डाल दूंगी ठीक है बाकी सारे एम सी क्यूज चैप्टर वाइज हैं और हंड्रेड से भी अधिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक है और इससे आपका बेसिकल एटलीस्ट एम सी तो हो ही जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाबा हैव अ गुड डे अगर आप इतना देख लियो इट मीन्स रियली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अब एग्जाम में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय गुड लक